अस्सलाम वालेकुम। आज आफ्टर अ लॉन्ग समर वेकेशन के बाद इब्राहिम साहब स्कूल जा रहे हैं। इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम। और आज 12th ऑफ सितंबर है, मंडे का दिन है, तो आज से इनकी समर वेकेशन एंड। ये अब हम स्कूल के लिए वॉक कर रहे हैं। ये अब हमारी स्कूल की जर्नी स्टार्ट हो गई है और सर्दी हो रही है, सुबह सुबह हल्की हल्की फुहार भी हो रही है। और एक मिस्टेक हो गई है इनके इब्राहिम साहब के लिए, हमने हाफ स्लीव वाली शर्ट ले ली है, लग रहा है शर्ट को चेंज करना पड़ेगा। और आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा आइडिया नहीं रहा, कल से इनको अपर पहनाएंगे। स्कूल में तो हीटर चल रहे होंगे इनके, आज पास ले हैं तो इनको ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं जाना, बुक्स इनको स्कूल से मिलेंगी और ये सिर्फ बैग लेके जा रहे हैं, बुक्स स्कूल से मिलेंगी। उसके बाद जो रेलिवेंट कॉपीज़ हैं कुछ वो हमें लेनी होंगी, इसके अलावा स्टेशनरी बाज़ार से लेनी होगी। तो नहीं, यहीं से ही चलते हैं। तो इनकी स्टेशनरी वगैरह लेनी होगी, देन बाकी जो है वो बुक्स तो आज स्कूल से मिल जाएंगी। बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, स्कूल खुद ही प्रोवाइड करता है बुक्स, और कुछ नोटबुक्स होती हैं वो भी स्कूल प्रोवाइड करता है। तो हाँ, तो आज पहले दिन तो टीचर ने इनको ये कहा था कि भाई सिर्फ खाली बैग लेके आएँ और बैग के साथ आपका बस आपने एक पाउच लेके आना है, उसमें बस पेंसिल हो, इरेजर हो और लंच लेके आ जाएं। लंच का इंतज़ाम स्कूल में भी होता है, कैफेटेरिया बना हुआ है, यमे खाने उसको कहते हैं। और कैफेटेरिया में जो लंच की पर डे कॉस्ट है वो 40 लीरा है पर डे, और उसमें सिर्फ वर्किंग डे ही वो काउंट करते हैं, एडिशनल डेज काउंट नहीं करते। तो वर्किंग डे को काउंट करके वो बताते हैं कि आपके कितने पैसे बन रहे हैं। तो बहरहाल लंच तो इनको हमने घर से ही दिया है। अच्छा चलो, कल से अपर पहन लेना, ठीक है। आज फर्स्ट डे था, वेदर देखें आप, क्लाउड्स भरे पड़े हैं आसमान जो है, और हल्की हल्की जो है स्नो अबो हल्की हल्का फॉर भी हो रही है। तो अब ये वेदर तो पूरे तकरीबन साल ही रहेगा यहाँ। क्या तो फिर बहुत क्यों? ये तो अभी स्टार्ट है, सितंबर का मंथ है, ठंड ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ती जाएगी। जस्ट 10 to 15 मिनट्स की वॉक है हमारे वादे तापे से इनके स्कूल तक की, 10 मिनट्स, तो बहुत ही नियर बाय है। हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड के बाद ये एक और कंपाउंड है, देन फिर यहाँ पे ये डिस्पेंसरी आ जाती है, और डिस्पेंसरी के बाद लेफ्ट में अंदर इनका स्कूल है। ऑलमोस्ट डिस्पेंसरी से 500 मीटर दूर होगा इनका स्कूल। तो आज फर्स्ट डे है, काफ़ी पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों को छोड़ने। ये डिस्पेंसरी आ गई, आइले सालक फैमिली हेल्थ केयर सेंटर, और स्कूल की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, अनाउंसमेंट्स चल रही हैं। यहाँ ये अब शॉप में मौजूद हैं, अब
अपने स्कूल का लंच ले रहे हैं। वैसे लंच में इनके पास बर्गर मौजूद है, उसके बावजूद कुछ ना कुछ लेना था तो बिस्किट और केक ले लिया उन्होंने। फार तो अच्छी खासी हो रही है, पूरे रोड वोड जो है ना वो गीले हो गए हैं। अब ये है रोजाना इनके लिए जैकेट निकालनी पड़ेगी, जैकेट पहन के ही आएंगे ये। जैकेट नहीं, अपर ले ले, अपर ले ले, अपर। चलो अपर ले लेंगे, लेकिन कॉन्स्टेंटली अब रोजाना पहन के आना अपर या जैकेट वगैरह कुछ भी, वरना सुबह ही सुबह जो है वो यूनिफॉर्म गीला हो जाएगा आपका। ये इमाम हतीब स्कूल है, इनका स्कूल आगे है इब्राहिम साहब का। ठीक ठाक रश है, आज फर्स्ट डे है तो अच्छा खासा रश हो रहा है, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ। अच्छी खासी बारिश हो रही है, हल्की हल्की, और ये अब रूटीन है यहाँ। ये इब्राहिम साहब का स्कूल आ गया, और ये इब्राहिम साहब का स्कूल। बाबा साहब मुझे वापस लेने आएंगे क्या? बाबा जी आज तो आएंगे क्योंकि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। अच्छा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इब्राहिम साहब को स्कूल छोड़ दिया है, बारिश अच्छी खासी तेज़ हो रही है, कपड़े मेरे गीले हो गए हैं और इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 20 है और फील लाइक मज़ीद इससे कम है। अच्छी खासी ठंड हो रही है, बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ऑलमोस्ट ये रूटीन जो है ना इसी तरह का वेदर यहाँ रहेगा, और जैसे जैसे मंथ्स आगे जाएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी। तो आज फर्स्ट डे था तो आइडिया नहीं रहा, और इत्तफाकन जो इनके शर्ट्स हैं वो हाफ स्लीव्स ले ली मैंने, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई। तो अब ये है कि इनका अपर वो निकालने पड़ेंगे, अपर कल वो भी पहन के जाएंगे फिर इंशाल्लाह, और अगर ठंड ज़्यादा हुई तो जैकेट पहन के जाएंगे फिर। ये वापस मैं कंपाउंड में पहुंच चुका हूं और इब्राहिम की छुट्टी होगी 2:10 पे, तो और इंशाल्लाह 2:30 पे पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, तो आज वो मीटिंग भी
अटेंड करनी है पेरेंट टीचर मीटिंग, तो इंशाल्लाह मीटिंग अटेंड करने भी जाएंगे। नाउ इट वाज द फर्स्ट डे आफ्टर लॉन्ग समर वेकेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप यहाँ टर्की में हैं तो आपको भी अपने बच्चों की एडमिशन करवा लेना चाहिए, अगर आप यहाँ मौजूद हैं और अभी तक अगर एडमिशन नहीं करवाए तो एडमिशन करवा लें। गवर्नमेंट स्कूल्स की यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है एजुकेशन की। और अब यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज एज अ पढ़ाया जाता है। अब पहले इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट उसके लिए मैंडेटरी होता है कि आप जहाँ आपका नफूस हो वहीं आपको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलता है। तो अगर आप या फिर ये है कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लें, प्राइवेट स्कूल कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं और फीस उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहरहाल इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन कमेंट बिलो। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।